जोर से। हाँ, कब मारो बोले बच्ची को? अम्मास में, पुन्नम में। जोर से। हाँ, कहाँ से पकड़े थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहाँ से पकड़े थे? हाँ, निकालो उसके पेट में से, उल्टी लगा के पूरी दवा बाहर निकालो। पन्नी सामने लगा दो, चल जल्दी निकाल पूरी दवा बाहर। वो पूरी दवा पूरी बाहर जला के लो उसके पेट में, खींच के और डालो जी पानी उनके पास दे। बाटन गिलास में पानी डालो, गिलास उठा के पंखे की स्पीड कम करो, खींचो उस कुत्ते से बाहर। पूरी दवा बाहर, पूरी बाहर। जलाओ उसके पेट में से, आग लगाओ। हाँ चल, पूरी दवा बाहर खींचो उसकी, खींचो उसकी दवा तेजी के साथ में, मार के अंदर से आग लगा के दवा बाहर खींचो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा फातिस समावाति वल अर्ज़ अलिम कद शअ'ना रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अहदु इलैका फी हाज़िरिल خلقه محمد والصحابه اجمعين ورحمتك يا رحمين خطبه المشيات عالم السلمان هذا مت هجوز کے پیٹ میں سے اور تیز سے مارو اندر سے آگ لگا کے باہر کھینچو اور تیز کے ساتھ खड़े रह के ले, पानी की तरह से आ रहा वो भी ले। झगड़ो और तेजी से बाहर खींचो अंदर से आग लगा के, और डालो इसमें थोड़ा पानी, जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ, अंदर से झगड़ लो। हाँ, खींचो उसके अंदर से और तेज से आग लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल, कुम लैलन क़लीला حبيب قصمه قليلا أعوذ بالله من رب القرآن تقتل الناس عند خمسة قليلا من عافية الله يشهد وضمع كم قليلا إنا لقتلنا حارسا وحن تبيلا واذكر اسم ربك وبطل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وكيلا واغفر على من ذنبه جميلا وذرني
والمقصرين في النعمة والمقليل إنا لدينا أنقاض ومن يحسن الغراء عليم يوم صار كل جبال كانت من رب المهيل في النار صلنا إليهم ربنا شيئا अम्मास में पुन्नम में कब मारने वाला था अम्मास पुन्नम को क्या जवान से बोल अम्मास जोर से बोल कब मारने वाला था अच्छा कैसा मारने वाला था एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के सुसाइड करा के कैसा जल्दी बोल कैसा मारने वाला था जोर से के बच्चे को भी मार दूंगा मैं। अच्छा तो कैसा बीमारी में डाल के सुसाइड करा के पहले भी मारा था उसके बच्चे को अच्छा पहले भी मारा था बच्चा मारा था कितने साल का कितने महीने का था बच्चा दो महीने का था अच्छा तो तुम्हें मार दिया था तो फिर अभी के बच्चे को मार देने वाला है अभी भी मारूंगा मैं उसको अच्छा तू आया किधर से था उसके मायके की तरफ से ससुराल की तरफ से ससुराल की तरफ से आया था मैं अच्छा नाम नहीं पूछा मैं कौन डाला औरत डाली थी आदमी डाला था औरत डाली औरत डाली थी बच्ची का क्या लेके गई थी उन्हें शर्ट कपड़ा बाल बाल लेके गई थी उसके घर में से अच्छा जादू शमशान से चली कब्रस्तान से चली कब्रस्तान से अच्छा अपनी बच्ची को मारने कितना टाइम बचा था क्या नाम है चुगरी का शहाना को कितने टाइम बचा मारने को 8 दिन में मारूंगा उसको अच्छा खाली 8 दिन उसके आदमी को भी मैंने बंद कराया अंदर अच्छा क्या करा तुम उसके आदमी को उसके पीछे घूम रहा था हाँ मेरे को छोड़ दिया मेरे बच्चों को छोड़
तुमने ऐसा कर दिया उसको? मेरे को छोड़ के इससे क्या निकलिया उसे? अच्छा तो मैं कैसे छोड़ूंगी इसको? अच्छा तो तू जाने दूंगी उसके ऊपर बदले लेने को? मार दूंगी उसको, उसको पैदा नहीं करने दूंगी मैं। अच्छा ये बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? क्या नाम है तेरा? रमीजा नाम है मेरा। क्या नाम है? रमीजा। हाँ तू पहले हो रही उसकी? हाँ उमर। मेरे साथ मैंने तकलीफ हो रही थी उसको। हाँ आज से शादी कर लिया उसने। और कितने लोग मिले हैं? और तोड़ दिया उसे, शादी कर लिया। इसको तो मैं मारूंगी, इसकी कोई औलाद नहीं आने दूंगी मैं। तेरे को कितने बच्चे? दो बच्चे मेरे को। क्या बेटा बेटी? एक लड़का और एक लड़की है। अच्छा उन्हें जादू कर कितने पैसे दी बच्ची पे जादू करने को? कितने? बहुत से। और इस पे जादू चलाते वक्त क्या लेके गए थे इसका? बाल लेके गए थे। कौन चुराया था बाल को? स्पीड कम बोला था तुम आपको। हाँ कौन चुराए थे बाल? जल्दी कौन ले गए थे बाल को? झगड़ो उसको तेरे साथ में, बोलो तो पूरा काट दूंगा। हाँ झगड़ो उसके हाथों को भी झगड़ लो तेरे साथ में, काट देंगे उसका हाथ को अगर जल्दी जवाब नहीं दे तो। हाँ कौन बाल ये बच्ची के? कौन क्या नाम है इसका? शाहजहां। शाहजहां के बाल कौन चुराए थे? हाँ इसके शहाना के घर से ले गए क्या? ससुराल में से ले गए थे? कहाँ से लिए वाला? नसीब तारे क्या बोल रहा हूँ? हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल, मैं तो छोड़ते नहीं देखो, पूरा मार के भस्म कर दूंगा। लाओ उसको तेज़ से। बाल कौन चुराया था? बाल कौन चुराया था? आया था मेरे घर पे। हाँ वो आया था, उसने मेरे घर पे आया था। कौन आया था? शर्ट में से निकाली मेरे बाल। अच्छा कितना टाइम होगा इसके बाल लेके? एक साल। हाँ? एक साल हो गया। फिर जादू चला के कितना टाइम हो रहा बच्ची पे? उसके पहले से करी मैंने। अच्छा बाद में फिर बाल ले जाके और करी? अच्छा कुछ आराम नहीं हुआ। अच्छा ये बच्ची को कहीं में मिला के खिलाई थी दवा? हाँ? मेरे घर पे आई थी वो। हाँ कब आई थी तेरे घर पे? दो तीन साल पहले। हाँ फिर क्या करी तूने? मैंने खाना बनाई थी। किस क्या चीज पकाई थी? पुलाव बनाने लगाई थी उसके हाथ से। हाँ उसके हाथ से बनाने लगाई थी। अच्छा फिर वो पुलाव में दवा डाल दी? हाँ खिलाए उसमें डाल के। अच्छा फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये जादू तू शमशान से चला रही थी कब्रस्तान से? किधर से? हाँ किधर से जादू किधर से चला रही थी? क्या पूछा मैं? जल्दी जवाब। हाँ कहाँ से चला रही थी? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? शमशान से कब्रस्तान से? कहाँ से? अच्छा अच्छा इसके घर में और किस किस पे करी? इसके माँ पे, बहनों पे, भाइयों पे? करी। अच्छा और वो दूसरा करे वाला वो अलग है घर पे उसके पूरा? अच्छा नहीं करी। अच्छा दूसरे भी नहीं चाहिए। अच्छा इसको मर नहीं करे। अच्छा मरेगी ये। अच्छा कब मार रहे हैं? मैं रह दूंगी मैं इसके साथ में। चलो ठीक है उसको जकड़ लो कुत्ते के साथ में और उसको मार मार के खत्म करने की तैयारी करो। उसके सारी दवाओं को कैसे बाबू लगा के बाहर निकाल कर फेंको और उतार के अंदर मार मार के सब भस्म कराओ। उनके उल्टियां क्यों आ रहे थे उसको?
खून क्यों उल्टिया? अच्छा खून क्यों उल्टिया करा दी थी? और क्या करी थी? टीबी की बीमारी बता दी थी? अब टीबी की बीमारी बता के खत्म कर देने वाली थी? थायराइड कौन कराए थे? वो भी तुझ कराई थी? जादू टोने करके जो है तो उसके दिमाग में भी दवा चढ़ा के बुढ़ा दिए थे, नस नस में भी, और उसको टीबी की बीमारी भी डाली थी उन्होंने, वो भला बोल रही, और उसको खून के उल्टिया भी कराती थी। कौन कराते थे खून के उल्टिया? बोलते बोल रही ये कराती थी। और क्या दुश्मन साजिद दास्तान बयान कर दिया मैंने, जहाँ पर बीमारी बार बार दवा को लिखाने के बाद राइट नहीं हो रही तो समझ जाना वो बीमारी नहीं है, वो कोई दूसरा दुनिया का खेल चल रहा तुम्हारे ऊपर। तो ये सब बातें बहुत सारे झगड़ के रखो उसको तेज सब क्या है तो कैसे करना तेरे को छोड़ना क्या मार के डालना? अच्छा जादूगर कौन है, क्या नाम है उसका? हिंदू का है मुसलमान का है? जोर से क्या नाम है उसका? नाम क्या है? काटू हाथ तेरा पूरा तेजी से जल्दी बोल, नाक की तरफ मार रहा निकल रहा नाक में से। झगड़ो उसको और तेज से। नाक में से निकल रहा, ये नाक में से निकल रहा पूरा दिमाग पे चढ़ के बैठे आला, और पेट में भी दवा थी उल्टियाओं की निकल रही और नाक में से निकल रहा हो सब। जकड़ के लो उसको तेजी से मारो उसको। हाँ मैंने जादूगर का नाम पूछा, जल्दी जिंदा है मर गया वो जादूगर? कहाँ रहता, कौन से गांव में? कहाँ पे? अरे नाम बता दे जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। क्या बोलते जोर से, क्या बोलते? सर बोलते। अच्छा कितनी उम्र है उसकी? कितनी उम्र है उसकी? जल्दी चल। ठीक है उनको जादूगर की सारी तंत्र मंत्र क्रिया को जकड़ लो तेजी के साथ में और जकड़ के नष्ट कराओ। नाला उसके बाप का राज चल रहा लोगों पे जादू करने को, कमीने का सारा जादू जकड़ लो, उसके हाथों को गिराओ उसके नाला रख के दोबारा उन्हें जादू करा कि उसको फटके दो उसको तेजी से पकड़ के। क्या करो तेरे हाथा काट के ले लूं, बाहर डाल देता हूँ तेरे हाथा काट के बाहर। किसके? अरे क्या करे उसके आदमी को? कैसा फंसा है? क्या करके फंसा है? जादू करके दिमाग बंद कर दी, फंस गया। अच्छा दिमाग का लाने का बोला था मैं 4 महीने पहले, तो सब बातें पूरी एग्री हो गया। उधर मैं उधर से रिजर्वेशन करता हूँ, तुम इधर से आओ ना उधर से, और वहाँ जाने के बाद में 1.5 लाख रुपए अपने दूसरी तरफ इधर उधर लेके जा रहे थे, यहाँ नहीं आने दिया इसमें। और अभी इधर नहीं आने रहा तुम कोई इलाज को तुम लोग नहीं आने रहे इधर आते टाइम में उनके दिमाग में बसों से डाल के उधर का उधर भगा दे रहे थे उनको। क्या कर रहे थे दूसरे तरफ चलो बोल के दिमाग में डाल रहे थे। अच्छा इधर से आने क्या मेरे इधर आने भी नहीं देते वो, जहाँ कटते हो और जहाँ खत्म हो जाने वाले रहते और जहाँ उनको मार पड़ने आने रहते और जहाँ भसम होने आने रहते तो वहां पर वो रस्ते को आने नहीं देते बलाए। क्या करते इधर आने लगे तो तुम्हारे दिमाग में वसवसे से डालते या दूसरे के आने उसके बोलते कहीं को जा रहे वहां इलाज थोड़ी होता है ऐसा बोल रहा था, अब आदमी ऐसा पकड़ेगा दूसरी तरफ लीजा के मार देने वाला था इस बना रहे लड़के को लेके गए ना ऐसे जब उसके पहले इसको लाने का प्रोग्राम जमाया था मैंने बहन को बोला तो यहाँ से जाते थे वहाँ सब पलटी कर दिया। अच्छा
इधर के रास्ते को ध्यान दे रहा था, वो पहले भी आए थे उनके बच्चों को लेकर, पहले भी सब बच्चों के अंगों में से निकले, अब ये कौन है तुम्हारे? ये उनकी भांजी को लेके आए तो नहीं आने दे रहा था, पहले भी उन्होंने बोले थे 4 महीने पहले लेके आ, इसको बोले थे, बोलते पेशेंट को चलो यहाँ बताएंगे, मगर वो अंदर से घुस के हरकतें और शरारतें ऐसे कर रहे थे कि इधर के रास्ते पर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि पता है उनको इधर के रास्ते पर तो जकड़ लेते और जकड़ के मार के खत्म कर देते उनको। तो ये बलाएं, ये जादू टोना, ये बहुत शाने रहते ये, जब कटते ना तो वहां आने नहीं देते तुम आपको, और जहां से उनको पावर मिलता वहां ले जाते तुम आपको, छोटे मोटों के पास ले जाते, उलट पलट करने लगाते, हम उससे शक्ति हासिल करते, और जहाँ कटने वाली रहती शक्ति खत्म होने लगती वहां नहीं आने देते, उसके जवान ही घुस। और किस किस पे करे रे? उसके दूसरे बहनों पे भी करे? वो दूसरों पे करे क्या बहनों के ऊपर? नाक से और उल्टा हो तो निकला, नाक से निकलना चालू, इसका मतलब दिमाग पे बहुत ज्यादा हावी था वो, और जब दिमाग पे हावी हो जाता तो सुसाइड अटेम्प्ट कराता वो, एक तो सुसाइड करो या फिर मारने के ख्याल में ही जाता, और किरकिरा झगड़े जाते लगा था, दिमाग पे चढ़ जाता नौकरी की। अरे क्या नौकरी थी? उनकी शादी पहले हो चुकी थी, एक बच्चा था, तो इन्होंने फिर बाद में तलाक हो गया, तो ये लोग ने रिश्ता लेके आया, तो हम लोग ने हाँ बोले, उस तारीख से 1 साल हो गया, वो जब से लड़की थी बाद। ये सारी दास्तानें तो सामने आ गई, और बात ऐसी है कि वो बच्ची को जब बीमार थी उसकी तबीयत, तो उन्होंने दवा खाने दवा गोलियां दवा खाने दवा गोलियां कर करके इतना दवा खाने बताए कि दवा खानों के अंदर 7-8 लाख रुपए चले गए उनके, 5-6-7 लाख जितने लोग आए, ये पूरा फाइल आया, वो सब पूरा फाइल लेके आए उनके साथ में। ये फाइल और ये मेडिकल साइंस की खास बात है कि तुम्हारे को जो भी तकलीफ है, ये सब ये कर रहे, रिपोर्टों में नील आ रहा आया, तो टीबी की बीमारी आ रही, रिपोर्टों में खून के उल्टियां हो रहे, लेकिन बला यहाँ क्या बयान करी, उम्मीद कर रही थी, इसलिए इबादत के रस्सी को मजबूती से थामना, पहले से अगर इबादत की रस्सी को मजबूती थामेंगे तो बलाएं ये वबाएं ये आफतें तुमको घेर नहीं सकती, घिर जाने के बाद तुम इबादत की रस्सी को मजबूती से थामने जाइए तो वो तुम्हारा रस्सी पकड़ नहीं देते, राह पे चलने नहीं देते, राह के करीब जाने नहीं देते, क्योंकि देखो ना यहाँ की राह पर भी तो नहीं आने दे रहा था ना, जहाँ से कटते हो, जहाँ अल्लाह वालों का डर रहता वहाँ नहीं आने देते हो, जहाँ शैतान का डर है और जहाँ शैतान के साथ है, आप जहाँ जादूगर बैठा रहा वहाँ तो वहाँ को ले जाते, और याद रखना अल्लाह वालों को रूह सुल्तान दीन को वली अल्लाह को जादूगर गलती से भी नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह फरमाता कि अगर मेरे वलियों के बारे में जरा भी बहुत रखे तिल बराबर भी, तो खुले जंग का ऐलान करता हूँ तुम्हारे साथ, अल्लाह फरमाता, और कोई बड़ी बात नहीं है, जादूगर अल्लाह वालों को ही जादूगर बोलते, असर जादूगर कुछ सिर पे लेके नाचते लोग, क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर बोले, ईसा अलैहिस्सलाम को जादूगर बोले, सारे अल्लाह के पैगंबरों को जादूगर बोले, यहाँ तक कि खातिमुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों के नबी, उनको तक माज़अल्लाह कट जाए वो ज़बानें और जहन्नुम का ईंधन बन जाए, उन्होंने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तोहमत लगाया था कि जादूगर बोलकर माज़अल्लाह। तो ये खास बात है शैतान के साथियों की और जादूगरों की, और जादूगरों को फॉलो करने वालों की, उन्हें जादूगर को जादूगर नहीं बोलते, अल्लाह वालों को जादूगर बोलने की। ये देखो ये अल्लाह के कलाम की ताकत, कैसी ताकत है, कैसा जकड़े कैसा मार के निकाल रहे सारी दास्तान, सारे एक रहे सामने बातें, क्यों नहीं उन्हें दूसरों का नाम लिया, क्यों नहीं शहर में हजारों से लाखों लोग रहते उनका नाम क्यों नहीं लिया, जो करता उसी का ही नाम निकलता, छोटे बच्चे को खींच के थप्पड़ मारो अम्मा का नाम लेकर होते हैं भागता, करो मेरे अम्मा को बुला के लाता हूँ, बल्कि हम तो वैसा शैतान को मारो पकड़ के, उन्हें उसका जिसने उसको लाके पैदा करके थोड़ा उसका नाम लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे गहरे राज है, बहुत सारे बातें है, तुम लोगों को क्या बयान करना, और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, और इंसान को समझे समझे तक ये दुनिया का राज, ये दूसरे दुनिया के वार चल रही है, जादू टोना चल रहा बोल के पता चले तक मैं तबाह बर्बाद हो जाता, बर्बाद हो गए, इनके गरीबी के 7 लाख रुपए दवा खानों में चले गए, और दवा खाने में जाने के बाद इन्होंने यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद क्या खुलासा हुआ कि ये तो जादू टोना चल रहा था, गया पूरा पैसा पानी में मट्टी में, तो ऐसी बात रहती, इसलिए पहले ही इबादत की राह पर तुम मजबूती से चलिए तो कोई बीमारी कोई वबा कोई शैतान तुम्हारा नहीं जकड़ सकता नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तुम्हारा हिफाजत करने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ने जिसकी हिफाजत की ठान लिया तो सातों जमीन और सातों आसमान की मखलूक मिलकर भी उसको जहमत नहीं दे सकती।
और अल्लाह ने जिसको जहमत देने का सोच लिया कि सातों जमीन और आसमान की मखलूक मिलिट्री फौज दुनिया की तुम सब लगा दो, कोई भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने अगर उसको जहमत देने की सोच लिया तो कोई उसको महफूज नहीं कर सकता, फिर कोई नहीं बचा सकता, बरोबर उसके ओवर ना सकती, बरोबर उसको मार पड़ता और बरोबर उसमें आजाद नहीं करता, कितनी भी पूरी दुनिया चाह के भी उसको नहीं बचा सकती। अल्लाह जिसको उठाना चाहे उसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं गिरा सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाहे उसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं उठा सकती। बातों को याद रखो, इबादत की राह और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। इबादत की रस्सी क्या है, इबादत की रस्सी को कैसा थामना, कैसा जिक्र अस्कार करना, जिक्र अस्कार करो, इबादत करो। सबसे पहले 5 टाइम की नमाज पढ़ने का मामूल बनाओ, 5 टाइम की तुम नमाज पढ़ने का मामूल बनेगा, धीरे धीरे तुम राह पर लग रहे थे। तो उसके बाद कुरान की कुछ सूरे कुछ आयातें निकालो पढ़ के, जो तुमको याद है, जो तुम पढ़ सकते वो तुम पढ़ो। हर नमाज के बाद एक मामूल बनाओ पढ़ने का, या तुम उतने कुरान की आयातें भी तुमको याद नहीं है सूरे, तो आयातें पढ़ो, आयातें भी याद नहीं तो कोई जिक्र करो इसमें ज्यादा अल्लाह का, या कोई भी जिक्र। ये सब जो जिक्र करेंगे तुम, ये सब चीजें तुमको महफूज रखेंगे बलाओं से, बबाओं से। जिक्र करने का तरीका, तुम अगर जिक्र को बैठेंगे और तुम बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ आज 200 बार पढ़ूंगा मैं दरूद शरीफ, आज मैं पढ़ूंगा 100 बार दरूद शरीफ, तस्बीह लेके बैठो 20 बार 10 बार पढ़ने के बाद शैतान तुम्हारा गोर गलाना चालू कर देता है, चलो मोबाइल देखेंगे, अरे चलो बाहर जाके घूम के, अरे चल बस बस बहुत होगा, दिल में वसवसे डालना चालू करता। पढ़ने का तरीका ये है कि जब तुम पढ़ रहे कोई भी चीज तो एक सांस में पढ़ना, पढ़ा करो एक सांस के अंदर। कैसा पढ़ो, मिसाल के तौर पर तुम्हारे फिर जो तुम टारगेट बोले 200, तो 200 नहीं तुम फिर 500 पढ़ते, तुम्हारे इबादत का नशा लगते जाता, फिर नशा नशा नशा, फिर इबादत के नशे में तुम डूब गए तो फिर दुनिया आखिरत सब बन गई। तो तरीका कैसा है पढ़ने का, तुम अपने टारगेट तक पहुंचने का। अगर तुम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जैसा नॉर्मल तरीके से पढ़ते, तो फिर उसमें क्या होता, तुम 100 पढ़ने से पहले ही तुम्हारे को उठा देता वहां से, उठा के बच्चे बाहर घूम देंगे, बस मोटो आजकल पढ़िए। 100 से ज्यादा पढ़ना तो इस तरीके से पढ़ो, एक सांस में पढ़ा करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। तुम जितना एक सांस में पढ़ने की कोशिश करते वहां तक ले जाओ, वहां तक ले रोको। अब एक सांस में अगर तुम टारगेट पूरा कर रहे, समझ एग्जांपल अब तुम समझो इसका पढ़ रहे कहे का दरूद शरीफ के अलावा तुम समझो कुछ जिक्र कर रहे, समझो अब इसमें ज्यादा अल्लाह का जिक्र कर रहे, ऐसा पढ़ो एक सांस में अल्लाह जितना एक सांस में खींच सकते उतना लेके जाओ अल्लाह अल्लाह। फिर बाद में जब सांस टूटती कि तुम्हारा दिल दिमाग क्यों वहां कॉन्सेंट्रेशन करता, फिर क्या करता दिल दिमाग उस पर लग जाता, रुझु हो जाता उस तरफ, और बोलता अरे सांस रुक डबल से पढ़ो डबल से, उसमें क्या होता तुम्हारा दिल दिमाग लग के पूरा तुम्हारा टारगेट तक ले जाता, आईडी पढ़ा दिल दिमाग से हट जाता, बस बस हट जाते दिमाग में, तुम अपने टारगेट पर रहते बराबर, और थकावट भी महसूस नहीं होती, गलावट भी नहीं, और तुम ऐसा पढ़ने की कोशिश करिए तो दिल दिमाग तुम्हारा पढ़ाई के अंदर लगता, और पढ़ाई में लगता तो फिर हो गए दिमाग जिक्र का नशा लग जाता इबादत का, और इबादत का नशा तुम्हारा लग जाएगा तो फिर तुम्हारा ये बलाएं ये वबाएं ये शैतान ये जिन्नात ये चुड़ैल ये दुनिया वाली ये आफतें दुनिया की कोई तुम्हारा को जहमत नहीं पहुंचा सकेंगी, जब तक अल्लाह की तरफ से फरमान नहीं निकलेगा कि उसको जहमत पहुंचाओ। और अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों को जो जिक्र कर रही बात कर रहे उनको क्यों जहमत देगा, अल्लाह तो फरमाता उनकी हिफाजत करो, वो तो नेक बंदे है वो जमीन पर, वो नेक बंदों के तो सदके में दुनिया चला रहा बोलता फिर अल्लाह। इस वास्ते नेक बनो एक बनो, अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, और ये सब बातें ये जादूगर के पास जाना सख्त मना करे अल्लाह, लानत हो जादूगरों के ऊपर, कट जाए उनके हाथों और ज़बान जो लोगों पर जादू कर रहे और लोगों में खरा गारत कर रहे। क्या नहीं आता अल्लाह ने, क्या नहीं इल्म दिया ले, इल्म कार जो बंदे रहते अल्लाह के उनके पास में हर वो चीज कर सकते, हर वो किसी को हिला सकते बैठे बैठे जगह से, मगर करते क्या नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अल्लाह खुद ने के बान है ना, चाहे तुम अल्लाह के वलियों को नेक बंदों को जहमत देंगे तो अल्लाह तुम्हारे से बदले लेता हो, उन्होंने लेते हो बदला लेने की नहीं सोचते। देखे ना तुम लोगों को अच्छे से पता है, हरकतें करे थे तो मार भी पड़ी ना, बताया था ना मैंने तुम्हारे को जरा छेड़ेंगे तो बहुत खतरनाक तरीके से मार पड़ेंगे, कटी किसकी जबान कटी कैंसर हो गए तुम्हारे लोगों की, बोले बुरा क्या हुआ कुछ फर्क पड़ा बुरा बोले तुम्हें कुछ भी नहीं, कुछ हरकत करे तो कुछ पड़ा, मगर तुम्हारे कटे ना जबान आ कटे, तुम्हारे दिल पकड़ के मार दिया गया तुम्हारे को, और मार के तुम्हारे चैन से अब थोड़ी सुन लेते खबरों में, तुम्हारे वहां से पकड़ के लाके झड़वा मार लगाते तुम्हारी बदरूहें रिलीज, क्योंकि तुम आजाबी बंदे। और बहुत सारी बातें मैं क्या बयान करूं, बे मौत मरे जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख,
इसलिए अब कयामत तक भुगतो और भुगतते हुए बैठो। ये आजाब इलाही है और आजाब इलाही जब नाजिल होता तो उसको कोई नहीं हटा सकता सिवाय अल्लाह के, क्योंकि आजाब अल्लाह कहता। जादू तो भी शैतानों की ताकतों से काली शक्तियों से तुम्हारा झगड़ लिया होता तो वो हटा दे सकते अल्लाह कलाम से। जब अल्लाह ही तुम पे आजाब डाल दिया अकल के अंदर तो फिर कहाँ जाएंगे बचने, कहाँ भागेंगे, भागो भागो कहाँ तक भाग सकते। अल्लाह फरमाता छोड़ दो अल्लाह की रियासत और निकल जाओ। या माशर जिन भागो, तुम कहां तक भागना चाहते अल्लाह की रियासत छोड़ते, छोड़ के तुम भागो। तुम जहां पर भी जाओगे वहां पर खुदा को सुल्तान पाओगे। कहा जाते फिर बचने आज आप नाजिल होता, इसलिए बचो, तिरस्कार करो, दिल के अंदर नूर पैदा करो इबादत का, तो ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। ऐसे हरकतें मत करो, अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं क्या बयान करूं। अल्लाह सब लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी दास्तान है, मैं तुमको इसलिए बोलता कि मेरे को तुम लोगों को बताना वाजिब है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ये दुनिया का जानकार हूँ और मेरे पास जितना इल्म है उस हिसाब से तुम्हारे को बताना और आगाह करना और पेश गोई सब बातों की कराना वाजिब है मेरे पास। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कहाँ जाएंगे तुम, घुमरे भांगरों के पास में जाएंगे, डुप्लीकेटों के पास में जाएंगे, खा लेते गड़ बोलते ना जड़ से गन्ने को खा लेते और तुम्हारी सारी खा के बर्बाद कर देते तुम, अब तब बर्बादी को लगा के उल्टा। इसलिए बताना मेरे ऊपर वाजिब है, तुमको ये भी पता चलना चाहिए कि अल्लाह के कलाम की ताकत क्या है और अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो। बस ये कहूंगा मैं तुमको बार बार, सारे बातों का निचोड़ इबादत है, इबादत 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 की राह पर चलो, राह सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में रहो तो तुम महफूज रहेंगे। और दुआएं याद करो, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। तुम दुआएं याद करेंगे तो इस वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। अभी बच्ची को जब उन्होंने खिलाई तो मैं तुम्हारा इस पे दावा वो बताता हूँ, तुम्हारा इस पे दावा करता हूँ तुम्हारे सामने बैठ के खुला दावा कि अगर ये बच्ची जब खई तहारी के अंदर उसके अंदर का भला बयान कर रही तो उन्होंने उसको तहारी के अंदर लुकमा मिला के जो भी जादू टोना करके खिलाई तो उसके अंदर वो सब हो गए वारा फिना बैठ गए सब दास्तान। अगर ये उस टाइम पे ऐसा पढ़ के खाती थी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या और भी जो भी दुआ घर से निकलते टाइम में पढ़ ली थी अगर बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो कसम खुदा की मैं यहाँ बैठ के दावा करता उस पे वो जादू नहीं चल सकता था उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे अगर उसकी आदत रहती थी, अगर उसका मामूल रहता था कि घर से बाहर निकलते टाइम पे दुआ पढ़ के निकलना, खाने का निवाला उठाते टाइम पे दुआ पढ़ के खाना, तो यकीनन उसके ऊपर मैं यहाँ बैठ के दावा करता कोई जादू और कोई शैतान का असर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। दुआ जिसने पढ़ा उसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और अल्लाह के सुपुर्द करने के बाद अल्लाह तुम पे कैसा जादू चलने देगा? फौरी फरिश्तों को हुक्म देता बाहर निकाल के फेंक दो करे अल्लाह जादू एक मिनट में उल्टियों के लिए तो जुलाबों की दवा निकल जाती थी या तो तुम्हारा खाने से पहले दिल बोलता था नहीं खाने का फेंक के तुम चल जाते थे वहां से, नहीं तो खाने के बाद भी अल्लाह उसको तुम्हारा आबे शिफा बना देता था उन्हीं वाले के अंदर, जहर भी है तो उसको आबे शिफा बना देता। मगर कब? जब तुम उसकी राह पर चलोगे, उसे मानेंगे, उसको बोलेंगे तो होगा ना। इसलिए ये सब बातें याद रखना और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर खैर मेरे पास इतना वक्त नहीं, इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। कहाँ से आए थे? मुंबई। अच्छा मुंबई में थे, कितने बार हाजिर हुआ पे? तुम बीमारी बीमारी बता रहे थे वो नहीं पूछा मैं ये पूछ रहा हूँ इसके आम पे कितने बार हाजिर हुआ घर पे? दूसरे तरफ ली गए सब तरफ बताए तो कहीं हाजिर होके सवाल जवाब हुए क्या? हाँ गल्ला पकड़ गल्ला पकड़ता था आके सवाल जवाब नहीं करता था। और यहाँ कितनी बार आए तुम, कितनी बार में सवाल जवाब हुए? पहली बार में होगा सबका अलग अलग रहता, किसी का पहली बार ना ला लेते किसी का दूसरी, जो जल्दी समझो मरने वाला उसका जल्दी स्पीड में पकड़ के सामने लाके पूछा देते, वो सब अल्लाह का निजाम चलता कुदरत की तरफ से, क्योंकि इंसान की हैसियत और इंसान की ताकत नहीं जिन्नात और शैतान से टक्कर ले। और इंसान को अल्लाह ने वो ताकत दिया ला कि सब पे करे हुकूमत इंसान में होता है, मगर वो अंदर की छुपी वाली पावर भी होना ना तुम्हारे सामने जबान में भी तासीर होना उसे करने वाला, नहीं तो जिन्ना पशैतान इतने बुरे तरीके से मारते घिर के छोटे छोटे इलाज वालों को। ये बात मैं बोलता हूँ कि जिन्नात और शैतान से टक्कर नहीं लेना, तुम दो ताबीजा दे रहे लोगों को, तुम मियां बीवी के टंडे सॉल्व कर रहे, ठीक है वो सब करो,
जिन्ना शयातीन से टक्कर जब लो जब तुम्हारे पास बहुत बड़ी फौज दी आ गई अल्लाह ने, तो नहीं तो उन तुम्हारे कहीं भी घिर के मारते हो, वैसी बात रहती होगी। और वो झुकते थे उसके सामने जिसके सामने अल्लाह ने बहुत कुछ दिया ला, जिसको अल्लाह ने नवाजा ला, जो अल्लाह के से कनेक्ट है उसकी दात काम को। बहुत सारे राज है क्या बोलूं तुम्हारे लोगों में, मगर मुद्दे की बात यह है कि वो तो कहीं जबान नहीं खोलता था बोल रहे हूँ, मगर यहाँ तो जबान का सब खोला, यहाँ खोलना ही पड़ता जबान लाती सामने पकड़ के अल्लाह के फजल व करम से सब बयान कराते। खैर अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। करेंगे क्या पूरा तुम्हारा तौबा तौबा कर जल्दी जोर से तौबा तौबा कर निकल जबान से बोल तौबा तौबा करेंगे जादू जोर से चलेंगी वारा दोबारा लेंगी लोगों के जाना खैर तौबा कर निकल जल्दी छोड़ उसको निकाल छोड़ के अरे सबको मार पड़ जा जा हटो रास्ता दो उसको जा छोड़ उसको निकाल क्या नाम उसका चल एक मौका दिए तुझे जा दोबारा दिखना नहीं तो पूरा जला दूंगा शहना पानी उसमें करा लो जिधर शहना पानी पियो पानी पियो पानी पानी लेके जाना तो मारो ये कौन है वो कौन पीछे बढ़िया जोर से बोलो पीछे बढ़िया कौन है वो